रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा फास्ट फूड का जायका। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूँ आपके साथ आस्था त्यागी। पिछले 2 साल से हापुड़ रेलवे स्टेशन पर बंद भोजनालय अब नए रूप में दिखाई देंगे। अब यहाँ स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ फास्ट फूड का भी जायका मिलेगा। भोजनालय शुरू करने के लिए IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का निजी कंपनी से करार हो गया है। इस माह में ही भोजनालय शुरू होने की उम्मीद है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित भोजनालय 2 वर्ष पूर्व निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सील कर दिया गया था। ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते यात्रियों को स्टेशन पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यात्रियों को भोजन के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। यात्रियों को परिसर में ही यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए IRCTC ने स्टेशन पर बंद पड़े भोजनालय को नए रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर जारी कर एक प्राइवेट कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जल्द ही बंद पड़े भोजनालय की दिशा सुधारने का कार्य शुरू होगा। कार्य पूर्ण होते ही स्टेशन पर ही भोजन के साथ साथ फास्ट फूड भी उपलब्ध होगा। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सुधीर कुमार का कहना है कि भोजनालय शुरू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन परिसर में भोजन और फास्ट फूड मिल सकेगा। इस माह से ही साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराकर इस सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।